ये तुमरुक का जो नाम है ये बड़ा काम का नाम है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस, एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। पांच बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को, हम पांचों बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोरेसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए पांच बेलपत्र का, शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। एक लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहाँ से शिव जी का जल गिरता है वहाँ उस पात्र को लगा लीजिए, शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। पांचों बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ। पांच बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में पांच बार उस बेलपत्र को खाना है और जल को पांच बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ कर, बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, पांचवी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर, एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रुका जी का नाम लेकर आप अगर इस कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के सातवें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ, मेरा देव अधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, इसी तरह से उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में जो उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से जरूर प्राप्त होते रहते हैं। तुम रुक्का बाबा के दो अचूक उपाय आपको बताए हैं। एक है चर्म रोग से संबंधित, जो सोराइसिस है या कोई भी चर्म रोग है उससे संबंधित, सिर्फ 21 सोमवार आपको पांच बेलपत्री का कमल पुष्प इस तरह से बना करके तैयार करके शिवलिंग पर अर्पण करना है। और दूसरा है आंकड़े की जड़ वाला उपाय। अगर संतान नहीं होती है, कई वर्ष हो गए, तो बस सफ़ेद आंकड़े की जड़ लीजिए। तुम रुक्का बाबा के नाम से, तुम रुकेश्वर बाबा का नाम लेते हुए शिवलिंग से 21 बार उतार करके लाल वस्त्र में नंदी के पास खड़े होकर अगर रजस्वला धर्म के सातवें दिन वह महिला बांध देती है तो जरूर संतान की प्राप्ति होती है। तो यह छोटे छोटे अचूक उपाय जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करना, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।